दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में चल रहे जिला स्तरीय यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम में शुक्रवार को जिले के 7 महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रविन्द्र कुमार, डॉ. रामशरण शाही, डॉ. वीणा गोपाल मिश्रा, डॉ. शैलेश कुमार सिंह, डॉ. रुकमणी चौधरी, डॉ. सुरेंद्र चौहान सहित जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समाज को चलाने के लिए अति आवश्यक है और वोट के लालच में लोगों को जाति में बांटा जा रहा है। मीडिया भी ध्यान देती है। स्वतंत्रता के पश्चात गरीबों और 1976 और 1979 में लगातार आरक्षण संबंधी संशोधन हुए। 1995 में 93वां संशोधन, परंतु जितने भी संशोधन हुए किसी में भी आरक्षण को आरक्षण का आधार जातिगत ही रखा गया। उसमें पेड़ पौधे जीव जंतु सभी सजीव तथा उनकी क्रियाओं का समावेश होता है, किंतु आज के इस युग में हम विज्ञान की प्रगति एवं इस औद्योगिकीकरण के दौर में हम उस पर्यावरण को का दोहन कर रहे हैं। जो ये संसाधन उपलब्ध है, जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है, हम उनका उन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हम उनका इस तरह से यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं कि हम ये नहीं देखते कि उससे कमियां क्या है, बस हम अपनी सुविधाएं देख रहे हैं। जिसकी इन सारी परिस्थितियों को इससे इसका फर्क ये पड़ेगा कि जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाला समय है, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायी होगा। स्वच्छता वह पवित्र क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने मन मस्तिष्क, अपने आसपास के क्षेत्र, अपने कार्य क्षेत्र को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से यह हमारे उत्तरोत्तर वृद्धि में सहायक है। स्वच्छता हमारे अंतर्मन से निकलता है, यह हमारे अंतर्मन की उपज है कि यदि हमारे आसपास गंदगी का वातावरण है तो हम उसको निश्चित रूप से स्वच्छ रखने का प्रयास करें। स्वच्छता के प्रति एक अंतर्मन की उपज होनी चाहिए। गांधी जी के साबरमती आश्रम में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक व्यक्ति सफाई में योगदान दे, यहाँ तक कि स्वयं महात्मा गांधी भी वहाँ की सफाई में योगदान देते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर मन में स्वच्छता की अलख को जगाना था। और निश्चित रूप से जब हमारे देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता का संकल्प लेगा तो निश्चित रूप से यह देश पूर्ण रूप से स्वच्छ हो सकेगा। धर्म को नमन करते हुए सुशासन पुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक मंडल को नमन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित युवाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो कि यहाँ पर उपस्थित है और अपने विचारों को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। यह सुशासन का एक अंग है। महोदय, सुशासन को हम कह सकते हैं कि एक अच्छा शासन जो कि सरकार के 3 अंग कार्यकारी, विधायिका और न्यायिक के दक्षतापूर्ण कार्यों का जवाबदेही होता है। सुशासन की अवधारणा जो है यह कोई नई अवधारणा नहीं है महोदय, यह अवधारणा पुरानी अवधारणा है, स्वराज की अवधारणा है। राम राज्य में सुशासन का वर्णन किया गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में यह लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं काहुई व्यापा, अर्थात राम राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। यही तो सुशासन का प्रमुख केंद्र बिंदु है। सुशासन के अंतर्गत राष्ट्र राज्य का प्रत्येक व्यक्ति सरकार के द्वारा लागू नीतियों का लाभांश अंत्योदय तक पहुंच सके और सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि एक ऐसी तंत्र की व्यवस्था करे कि उस नीतियों को अंत्योदय तक पहुंचने में कोई बाधा उत्पन्न न हो। यह सुशासन का मुख्य बिंदु है। पलक अग्रवाल हैव गॉट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड एक्सप्रेस माय व्यूज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑन द टॉपिक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। Environment protection is the practice of protecting the environment, our natural environment, by individuals, organizations, and governments. It has an objective to conserve the natural resources, the natural environment, and to repair the damages as far as possible. Environment pollution is a major link to environment protection. The need for environment protection is because of the pollution that is created. शिक्षक गण को मेरा प्रणाम। मैं आयुषी
तेजस्वी तिवारी, बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, आज हम एनएसएस द्वारा आयोजित यूथ पार्लियामेंट के तहत मैं भी अपने विषय भ्रष्टाचार को लेकर उपस्थित हुई हूँ, और मैं अपने इस विषय पर मैं भी अपनी कुछ बातें रखूँगी, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पे। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है भ्रष्ट धन आचार। भ्रष्ट यानी बिगड़ा हुआ, आचार का अर्थ होता है आचरण यानी बिगड़ा हुआ आचरण। आज भी किसी भी शासकीय कार्यालय में एक आम आदमी भी जाता है तो अपना काम जल्दी कराने के चक्कर में एक लिफाफा दूसरे व्यक्ति को थमाने के लिए तैयार रहता है। और आप ही बताइए, जब किसी भी व्यक्ति के एक अवैध ढंग से ऐसी रकम मिलने लग जाए तो निश्चित ही रूप से उसकी इच्छा और बढ़ेगी, और इसीलिए भ्रष्टाचार हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार की समस्याएं बहुत हैं, जैसे शिक्षा में कमी, नौकरी के अवसर में कमी, पहल का अभाव, लालच और बढ़ती प्रतियोगिता। शिक्षा में कमी, आज हमारी सरकार बहुत सारी ऐसी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाएं बना रही है, लेकिन फिर भी हम शिक्षा में बहुत पीछे हैं। नौकरी के अवसर में कमी, आजकल के युवाओं को उनके पद, उनके डिग्री की योग्य नौकरी नहीं मिल रही है, जिससे वो मजबूर होकर गलत काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। पहल का अभाव, हम सरकार की आलोचना बहुत जल्दी कर लेते हैं लेकिन कभी भी टीम बनाकर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सख्त दंड की कमी, हम हमेशा कभी भी ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे हमारे देश में सख्त नियम भी नहीं है, और इसी की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।